माउंटेनियरिंग शायद दुनिया का एकमात्र ऐसा स्पोर्ट जो कि इतनी लंबी हिस्ट्री होने के बावजूद बाकी स्पोर्ट्स की तरह लाइव टीवी, खबरों और लाइमलाइट से कोसों दूर है। शायद उस लाइमलाइट का ही यहाँ तक इन वीरान पहाड़ों में पहुँचना असंभव है। तो आखिर क्यों हम शिखर तक पहुँचना चाहते हैं, जिसके लिए हमें दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों और टफ सर्वाइवल कंडीशन से होकर गुजरना पड़ता है? जानने के लिए आइए चलते हैं सीधा माउंट नून। फाइनली हमारी माउंट नून की जर्नी शुरू हो गई है। मैं इस समय T3 एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ। एज ऑलवेज टाइम से काफ़ी ज़्यादा पहले आ चुका हूँ, क्योंकि इस बार मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपनी ट्रिप के लिए। काफ़ी टाइम बाद मैं कोई बड़ी पीक क्लाइम कर रहा हूँ, एंड स्पेशली 7000 मीटर पीक। टाइम हो गया है 5:51, मेरी एक्चुअली 7:40 की फ़्लाइट है, सो काफ़ी टाइम है पास। हमारी जो टीम मिलने वाली है वो श्रीनगर में सारे लोग गैदर होंगे, उसके बाद हम जाएंगे कारगिल। विल बी लीविंग फॉर कारगिल टुमारो, एंड कारगिल से फिर अपना सफ़र शुरू होगा। कुछ लोग कारगिल में मिलने वाले हैं, ज़्यादातर लोग हम श्रीनगर में असेंबल होंगे। वेट करते हैं फ़्लाइट का, होपफुली फ़्लाइट लेट नहीं होगी। एंड एज ऑलवेज मैंने, क्योंकि हम वी आर फ्लाइंग टूवर्ड्स वेस्ट, मैंने राइट साइड विंडो सीट बुक की है ताकि मुझे कुछ माउंटेन्स दिख जाए। होपफुली नून और कुन भी हमें दिख सकती है, एंड आई एम होपिंग कि एटलीस्ट वो पीक मुझे दिखे एक बार बिफोर वी क्लाइम दैट पर्टिकुलर माउंटेन। सो इट विल बी अ गुड लक फॉर मी, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। सी यू इन श्रीनगर। सो फाइनली आई एम इन श्रीनगर राइट नाउ, टेस्टिंग द गिम्बल एज वेल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपडेट ये है कि आई एम द ओनली वन इन श्रीनगर राइट नाउ, और जो मेरी बाकी की टीम है वो अनफॉर्चुनेटली जम्मू से ज़्यादा आगे नहीं निकल पाए, क्योंकि अमरनाथ यात्रा की वजह से काफ़ी सारे व्हीकल्स हैं जिनको वहाँ पे रोक दिया गया है। आफ्टर 11 AM नॉट ऑल द व्हीकल्स आर अलाउड टू गो फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर। सो माइट बी पॉसिबल कि वो कल सुबह जम्मू से श्रीनगर के लिए निकल पाएँ, एंड सो आई एम काइंड ऑफ स्ट्रक हेयर राइट नाउ। बट एक अपॉर्चुनिटी ये भी है कि आज शाम को मैं थोड़ा श्रीनगर एक्सप्लोर कर सकता हूँ। सो शाम को एक बार आपको डल लेक के नज़ारे दिखाएंगे, तब तक के लिए बाय। डल लेक श्रीनगर की एक बहुत ही खूबसूरत झील, जहाँ टूरिज़्म हमेशा पीक पर रहता है। क्योंकि डल लेक मेरे होटल से काफ़ी करीब था, मुझे मौका मिल गया था एक बार फिर अपना कैमरा निकालकर इन सुंदर मोमेंट्स को शूट करने का। 22 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई इस झील, जहाँ 50,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं, इसमें बसती है एक दुनिया। घर, होटल, मार्केट, पोस्ट ऑफिस, ATM, यहां तक कि लोगों के खेत भी इसी झील में बसते हैं। यहां की बोट्स, जिसे यहाँ शिकारा के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें इस लेक की लाइफलाइन कहना शायद गलत नहीं होगा। बहुत ही डेवलप्ड शहरों में जो छोटे बड़े रास्ते हम एक मोटरसाइकिल या गाड़ी से तय कर लेते हैं, डल लेक में वही काम करती है शिकारा। जितनी यूनिक है ये शिकारा, उतने यूनिक होते हैं इनके नाम। शिकारा पर ही यहाँ के लोग अपनी मूविंग पोर्टेबल दुकान चलाते हैं, जहाँ आप यहाँ के लोकल फूड आइटम्स, केसर, शिलाजीत, जाने क्या क्या नहीं खरीद सकते। शिकारा यहाँ की लाइफलाइन तो ज़रूर है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि ये शिकारा की मैन्युफैक्चरिंग भी इस लेक के ऊपर ही लोकेटेड एक मार्केट पर होती है। वाकई में अद्भुत है डल लेक।
मैं शायद बहुत लकी था जो डल लेक से भी बर्फ से ढकी हुई इन पीक्स को देख पा रहा था। श्रीनगर आकर मेरे लिए इससे अच्छी कोई शाम नहीं हो सकती थी। मुझे अपनी लाइफ में कई रोड ट्रिप्स पर जाने का मौका मिला है, लेकिन श्रीनगर से कारगिल के रास्ते की खूबसूरती ही है जो मुझे बार बार यहाँ बुला लेती है। 200 किलोमीटर के स्ट्रेच में हमें आज सोनमर्ग, जोजिला पास और द्रास के थ्रू कारगिल तक पहुँचना था, क्योंकि अमरनाथ यात्रा के लिए यही रूट लिया जाता है। यहाँ ट्रैफिक और कंस्ट्रक्शन का भी बंद नहीं होता। पूरे रूट पर नज़ारे इतने रंगीन थे कि ट्रैफिक और कंस्ट्रक्शन की कोई शिकायत ही नहीं थी। द्रास पहुंचा तो मुझे मौका मिल गया यहाँ के प्यारे बच्चों के साथ कुछ मोमेंट शेयर करने का। क्या नाम है? दो इधर आप आओ, थोड़ा दूर जाओ, थोड़ा पीछे। अब यहाँ पे रुको रुको रुको, हाँ पीछे जाओ, पीछे 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 पीछे, टूट जाएगा टूट जाएगा, पीछे 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 जाओ, ऐसे करना है ऐसे। हाँ चलो करो, गन दिखाओ, गन ऐसे मारो, मेरे को मारो।
कुछ और आगे चलने पर हम वहाँ पहुँचे थे एक बहुत ही स्पेशल जगह पर, कारगिल वॉर मेमोरियल। मात्र एक जगह ही नहीं है, ये जगह याद दिलाती है हमें भारतीय सैनिकों के स्ट्रगल और सेक्रीफाइस की। आखिर इंडियन आर्मी की वजह से ही तो आज हम चैन की नींद सो पाते हैं। हम सभी देशवासी तिरंगे को देखकर बहुत ही प्राउड फील करते हैं, लेकिन इस जगह पर तिरंगा लहराते हुए देखकर जो फीलिंग मिली उसे शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल था। इन बहादुर सैनिकों की वजह से ही आज हम ये जगह को देख पा रहे थे। और देखते ही देखते हम आ पहुंचे थे कारगिल, जहां से इस एक्साइटिंग सफर की असली शुरुआत होने वाली थी। सो राइट नाउ आई एम एट कारगिल, और आज के स्केड्यूल के हिसाब से हम सारा लोड डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। जितना भी क्लाइंबिंग इक्विपमेंट है हर किसी को मिल जाएगा, और वी आर गोइंग टू डू सम एक्लाइमेटाइजेशन वॉक अराउंड। काफ़ी सारी टीम मीटिंग्स होने वाली हैं आगे, कैसा एक्सपेडिशन होगा आप देख सकते हो। पीछे वेदर बहुत ख़राब है, तो दीज आर नॉट गुड साइंस, बट होपफुली ये एक दो दिन की ही बात है, और इसके बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा वेदर क्लियर होगा एंड इट विल बी ईजियर फॉर अस टू मूव टू द हायर कैंप्स। बट अभी तो वेदर रिपोर्ट थोड़ी ख़राब ही है। एक दिन हमारे पास कारगिल में है, तो काफ़ी ज़्यादा हम यहाँ घूमने वाले हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी मोनेस्ट्रीज है, वो हम देखेंगे। मेन एम रहेगा एक्लिमेटाइजेशन वॉक करना, सो दैट वी आर गेटिंग यूज टू दिस ऑल्टीट्यूड। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपको कारगिल घुमाते हैं। कारगिल लद्दाख की एक बहुत ही यूनिक सिटी है, जो गेटवे है कुछ बहुत ही फेमस ट्रैक्स और माउंटेन क्लाइम्स का। रेस्ट डे होने के कारण आज मौका था यहाँ की लोकल मार्केट के साथ साथ यहाँ के लोगों की बिजी लाइफस्टाइल को एक्सप्लोर करने का। क्योंकि एक बहुत ही बड़ी क्लाइम होने वाली थी, हमें आज ही के दिन अपने सारे टेक्निकल इक्विपमेंट्स को चेक करना था। बहुत ही ज़रूरी होता है ये सब इक्विपमेंट्स, खासकर अपने शूज़ के साथ कंफर्टेबल होना, क्योंकि अगले दो हफ्ते ये हमारा एक हिस्सा होने वाले थे।
जुलाई का यह महीना लद्दाख में न जाने कितने बादल लेकर आया था। पहली बार इस रीजन में इतने बादल देखने के बाद मेरा गुस्सा होना काफ़ी आम बात थी, लेकिन ये घने बादल भी इस पूरी वैली की खूबसूरती को कम नहीं कर सकते थे। मेरा कैमरा अगले 2 हफ्तों के लिए काफ़ी बिजी होने वाला था। और आइए अब चलते हैं असली एडवेंचर की ओर। हटा दिया। खींच के चलो 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 ये खींच के ये चल 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 चलो जोर लगा चलो अब चलो 1 2 3 पे चलो तेज चल जोर लगा के चलो ये जोर लगा के समय जो हम तंगोल पहुंच गए हैं और यहाँ बहुत मेहनत लगी है सारे टीम मेंबर्स की, खूब धक्का लगाया इधर। तो अभी जरा ऊपर चलते हैं, शायद थोड़ी और जरूरत पड़ सकती है। अभी आगे देख सकते हो आप। तो हमने अपनी कैंप साइट जो है वो सेटअप कर ली है अपने यहाँ तंगोल पे, और कल को जो हमें रूट लेना है वो यहाँ पे आप देख रहे हो मेरी फिंगर टिप्स पे। यहाँ से हमें जाके ऊपर को राइट मुड़ के इधर वैली के अंदर घुसना है, और फिर पीछे से यहाँ से इसका नून का जो है बेस कैंप है। तो ये पूरी हमारी कैंप साइट है, येलो वाला हमारा टेंट है। मैं, जीत भाई और शरद भाई यहाँ रह रहे हैं, और बाकी सारे मेंबर्स के टेंट भी आप देख रहे हो रेड वाले, और एक इधर जो रेड बड़ा सा टेंट दिख रहा है आपको, ये आपका किचन टेंट। इधर से पानी आ रहा है बढ़िया बढ़िया भरने के लिए। तो मौसम जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया आज, बट उम्मीद कर रहे हैं कि रात को बारिश नहीं होगी। रात को ज़्यादा बारिश हुई तो टेंट में बहुत ज़्यादा पानी घुस सकता है, बट अभी तक जितना वेदर देखा है इस पूरी वैली का, रात को यहाँ ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है। तो यही उम्मीद करते हैं, और कल सुबह वेदर अच्छा मिलेगा तो अर्ली मॉर्निंग हम निकलेंगे बेस कैंप के लिए, तो मज़ा आने वाला है। मिलते हैं। तो आज 8 जुलाई का अपडेट ये है कि काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है कल रात से,
और आप देख सकते हैं हमारी कैंप साइट है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सुबह सुबह 7 बजे हम ऊपर के लिए माउंट नून के बेस कैंप के लिए निकल जाएंगे, पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। आप पीछे देख सकते हो पूरी वैली में बादल हो रखे हैं, तो हम वेट ही कर रहे हैं कब ये बारिश रुके। ऑल दो आज मूव करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, बट थोड़ी आफ्टरनून के टाइम पे धूप आ जाती तो हमारे टेंट्स जो हैं वो थोड़े ड्राई हो जाते, काफ़ी ज़्यादा गीले हो चुके हैं, पानी पूरा अंदर घुस गया है और हमारे स्लीपिंग बैग्स भी गीले हो गए हैं, हमारे थोड़े बहुत कपड़े भी गीले हो गए हैं अभी। ठीक है, लेकिन चलता है माउंटेन्स पे, इतना होप करता है कि आगे अच्छा रहेगा। अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया तो ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या अपडेट होता है आगे। रिजर्व डे तो हमने रखे ही हैं, तो देखो आगे और अपडेट मिलती रहेगी। तो अभी की अपडेट ये है कि बाहर कल रात से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो अभी भी हम टेंट के अंदर बैठे हुए हैं। आवाज़ आप सच सुन सकते हैं, पूरा बारिश हो रही है यहाँ पे, टेंट पूरे गीले हो चुके हैं, जूते भी हमारे गीले हो चुके हैं, थोड़े बहुत कपड़े और बैग साथ में गीले हो चुके हैं, और हम यहाँ पे बैठ के गाने सुन रहे हैं, संगीत बजा रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। तो ये मेरे दो भाई बैठे हैं, जीत भाई और शरद भाई। तो भाई क्या लगता है, क्या रिपोर्ट है? 10 तारीख तक तो बोल रहे हैं कि पैक होगा, बट देन लेट्स होप भाई, लेट्स होप दैट ऑलमाइटी क्लियर्स द वेदर फॉर दैट एंड वी हेड ऑन टू द नेक्स्ट कैंप। मजे तो आएंगे और मजे आ रहे हैं, मतलब आफत में ही मज़ा ही आ रहा है कुल मिला के। तो रिपोर्ट ये है कि 10 तारीख के बाद थोड़ा मौसम खुलेगा, तो उसी उम्मीद के साथ यहाँ पे भी बैठे हैं। कल भी थोड़ा खुलता है तो हम कल मूव कर जाएंगे। बाकी देखो, मेन क्राइटेरिया ये है कि ऊपर अच्छा रहना चाहिए वेदर, उसके बाद ही हमारा आगे के चांसेस बढ़ेंगे ऊपर टॉप तक पहुँचने के। तो उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छा रहेगा, मिलते हैं आगे। तो डिपेंड करेगा उसी के ऊपर, इधर से मूविंग का क्या करेंगे। बारिश का वेदर रिपोर्ट देखा, वेदर रिपोर्ट तो वही बता रहे हैं, मतलब 10 तारीख तक बता रहे हैं कि जल्दी आ जाओ, ये हमारे पास आ गए हैं, पूरा धुआं शुरू हो जाएगा। तो कल भी कल अंदर कर लो, जूते को भी कर लो, जूता को जूता पहन के जूते गीला हो जाएगा। हां हां हां, पानी वाली डाल, बढ़िया टाइम था, जाना झबड़ा गया देखिए। हां अरे हमारा ये काम है, तो अंदर बैठा था, बारिश सफल हुआ होगा तो पुराना वाला जो रूट है बंद हो गया। ठीक है, तो हमारे लिए चैलेंजेस थोड़ा और बढ़ जाएगा, मतलब जो हम लोग सोच के आए थे, तो पीछे हम लोगों का दो ग्रुप गया है, चलो थोड़ा बहुत रूट ओपन हो जाएगा तो थोड़ा बहुत बिजी हो जाएगा, तो अगर ऊपर में स्नोफॉल हो जाता है तो वो जैसे का वैसा फिर से हो जाएगा। ठीक है, तो चैलेंजेस तो हो गए। ठीक है, वो तो प्रिपरेशन रखना ही है उसी हिसाब से। अभी एक्सपीडिशन का अभी सेकेंड डे है आज। ठीक है, तो अभी तो ऐसा बारिश बारिश होता ही रहता है, तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसा ही है। ठीक है, आप ऊपर जाएंगे, बाकी उधर को डिसीजन लेंगे फिर देख के स्नो का हालत कैसा है, क्या है नहीं है। बाकी हम लोग एक प्रिपरेशन किया, मतलब एक प्लान किया है, हाँ, लेकिन अभी इधर पे हम लोग का 2 दिन अगर खराब हो जाता है तो उधर पे जाकर फिर से प्लान चेंज करना पड़ेगा, और ये दिस इज़ द पार्ट ऑफ द एक्सपीडिशन। प्लान हमेशा चेंज हो जाता है, हमेशा चेंज हो जाता है एक दिन बाद। फिर जैसे हम लोग का रेस्ट डे खत्म होता जाएगा, उसी हिसाब से ऊपर वाला प्लान जो है चेंज हो जाएगा। तो हम लोग जो लास्ट टाइम जो प्लान बनाए थे मैं और नीमा बैठ के, उसमें ऐसा था कि टंगोल में एक दिन, आज हम लोग का जाना था बेस कैंप, कल हम लोगों का था मतलब 8 तारीख था हम लोगों का रेस्ट डे हो जाता बेस कैंप में, फिर अगला दिन कैंप ऑन लोड फेरी करके वापस, फिर नेक्स्ट डे पूरा कैंप ऑन ऑक्यूपाई। कैंप ऑन ऑक्यूपाई जिस दिन हम लोग कर रहे हैं उसका अगला दिन हम लोग कैंप टू का जो वॉल है उतना तक टच करेंगे। कैंप टू हम लोग मतलब पूरा डायरेक्ट नहीं जाएंगे, कैंप टू का जो वॉल है उधर पर घूम फिर के थोड़ा सा हाइट गेन करके टच करके फिर हम लोग डायरेक्ट आ जाएंगे कैंप ऑन को छोड़कर बेस कैंप में। फिर बेस कैंप में हम लोगों का दूसरा दिन नेक्स्ट डे था पूरा रेस्ट, पूरा एकदम सब लोग खाओ पियो एकदम पूरा रेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट डे जब आएगा डायरेक्टली कैंप ऑन ऑक्यूपाई, कैंप टू कैंप थ्री समिट समिट करके फिर डायरेक्ट वापस, मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट और बीच में कोई रेस्ट नहीं। तो ये हम लोगों का प्लान कल तक था, लेकिन आज हम लोग का इधर पर एक डे ख़त्म हो गया, तो शायद कल हम लोग अगर बेस कैंप जाए या फिर ना जा पाए, कल भी अगर इधर बैठना पड़ा तो वो प्लान भी शायद चेंज हो जाए। ठीक है, तो मतलब यही मैं बोलने का यही है कि प्लान जैसा भी हो हम लोगों को मेंटल प्रिपरेशन मतलब उसी हिसाब से रहना चाहिए कि हमेशा, क्योंकि हम लोग अभी ऐसा मौसम में आ गए कुछ नहीं कर सकते, और ऐसा भी नहीं कि इधर से वापस चले गए, तो हम लोगों को हमेशा जिस टाइम जो जो डिसीजन लेना पड़ेगा उसी हम लोगों को मेंटल प्रिपरेशन रखना पड़ेगा कि चलो भाई हमको ऐसा जाना है, आज कैंप वन से कैंप टू जाना है, नीचे नहीं आना है, कल हमको कैंप थ्री जाना है या फिर ऐसा। लेकिन दिमाग में ये बिठा देना सबसे एकदम नॉर्मल जो इजीली जो चीज़ है
देखें हम लोगों का रेस डे जो है जितना दिन हम लोग का इधर पे खत्म होने जाएगा तो ऊपर में हम लोग का रेस डे कम होता जाएगा, ये दिमाग में बिठाना है। मतलब ऐसे नहीं कि ऊपर में जाके थोड़ा तो हम लोग को पुश करना ही पड़ेगा अपने आप को, इतना बड़ा एक्सपीडिशन के लिए आए हैं, थोड़ा बहुत कष्ट होगा, थोड़ा बहुत हम लोगों को भी थोड़ा होगा, हाँ तो लगेगा कि थोड़ा बहुत रेस्ट हो जाता है, लेकिन हम लोगों का क्या दिन भी कम होता जाएगा उधर, ठीक है? क्योंकि हमारा जो परमिशन है वो 20 तारीख का परमिशन है, वो भी हम करना पड़ेगा। तो ऐसे जाएगा राउंड फिगर मेरे बारे में तो सब कुछ ही जानते हैं। अनुपम चटर्जी, आई एम फ्रॉम कोलकाता। तो मैं तो मेरा हॉबीज तो अभी तो माउंटेन ही है, माउंटेन में जाना है मेन हॉबीज है, बाकी थोड़ा बहुत बुक्स पढ़ लेता हूँ, गाना वाना सुनता हूँ, गाना सुनना मेरा बहुत अच्छा लगता है, हाँ वो भी करता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। और बाकी खेलना तो शौक ही है छोटे से, तो अभी भी मौका मिल जाता है, टाइम मिल जाता है तो थोड़ा बहुत। और फील्ड में, ये फील्ड में एक्सपीरियंस के बारे में बताए तो थोड़ा बहुत एक्सपीडिशन किया है, 6,000-7,000 बस इतना से ट्रेक किया है काफ़ी सारा, बस यही चल रहा है। मैं पार्क एंटी से बिलोंग करता हूँ भोपाल से, और मेजरली एक्सपीडिशन मैंने अभी तक सोलो और अपने स्टाइल में किए थे, अभी फर्स्ट टाइम मैं ग्रुप के साथ जा रहा हूँ। बड़ा अच्छा, बड़ा मैं क्या बोलना चाहिए कि मेरे को अलग एक्सपीरियंस है, लोगों के साथ टीम वर्क ज़्यादा इस पर देखने को मिलेगा, तो जस्ट यही है। बाकी एक्सपीडिशन ये मेरा 8वां एक्सपीडिशन है, 7,000 meters का ये मेरा दूसरा, पहले एक फील्ड एक्सपीडिशन हुआ था, बट ये मेरा प्रॉपर फर्स्ट 7,000 meter एक्सपीडिशन है, देखते हैं। और मैंने माउंटेनिंग कोर्स में बेसिक एडवांस एंड सर्च एंड रेस्क्यू क्वालिफाइड हूँ, बस अभी बाकी एक्सपीरियंस लोगों से और सीखेंगे सब लोगों से, ठीक है। दादा मेरे साथ एडवांस में थे, अच्छा मैं एडवांस में बस वहीं से ठीक है सर। चलो ये पिम्बा था, चलो पिम्बा बताओ। पिम्बा मेरा नाम, माय नेम इज कैसन पिम्बा शेखर, एक्चुअली पिम्बा नहीं हूँ मैं, थेम्बा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ सब पिम्बा पिम्बा करके बुलाते हैं, मगर मेरा नाम है थेम्बा शेखर। थेम्बा बोलने से तो मैं दार्जिलिंग से हूँ, ठीक है। दार्जिलिंग घूम बोल के एक जगह है, छोटा सा स्टेशन है, वहाँ पे रुका हूँ। और क्या बताने का, हाईएस्ट रेलवे स्टेशन वहीं पर रहता हूँ। और अभी तक मैंने 8,000 कोई भी नहीं किया, 7,000 तो पूरा किया है, खेल के रखा हुआ है इधर इंडिया में। मैंने किया ब्लैक पिक, देव टिपा, KY1, KY2, नून कुन सब कुछ करके रखा हुआ है, और इसके बाद है ना इतने। ओके गुड लक शरद। मेरा नाम शरद है और मैं उत्तराखंड से हूँ, बेसिकली मैं वैसे पैराग्लाइडिंग पायलट हूँ और एडवेंचर फील्ड से हूँ। ये मेरा तीसरा एक्सपीडिशन है, फर्स्ट है 7,000। मुझे एडवेंचर पसंद है, बहुत ही पसंद है, बस इतना ही। तो मेरा नाम राहुल चौहान है और काफ़ी लोग यहाँ पर मेरे से मिले हुए हैं, जैसे आदि भाई के साथ मैं एक्सपीडिशन कर चुका हूँ, और जे अनुपम भाई के साथ 7,000 meter का एक्सपीडिशन किया था लास्ट टाइम कुन में। तो काफ़ी लकी हूँ कि ऐसे लोगों के साथ मिल रहा हूँ, दूसरी बार दोबारा मौका मिल रहा है मुझे एक्सपीडिशन करने का। बाकी शरद भाई के साथ मैं बहुत लकी हूँ, मैं 2018 में मैंने बंदरपूंछ एक्सपीडिशन किया था, वो सक्सेसफुल रहा था, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीडिशन था वो। कि वैसे मैं दिल्ली से हूँ और मेरा होम टाउन जो है वो उत्तराखंड में है, और बाकी मैंने बेसिक माउंटेनिंग कोर्स जो किया है वो मैंने HMI से किया है और 2017 में, और 2019 में मैंने किया एडवांस माउंटेनिंग कोर्स फ्रॉम नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग। मेरा नाम शंतनु भौमी, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मैं इंडियन रेलवेज में अभी काम करता हूँ, और एक्चुअली इंडियन रेलवेज में मेरे को फुटबॉल से जॉब मिला था, और बचपन से ही घूमने का मन था, तो कहीं भी मिलता तो घूमने चला जाता। अभी तो शायद नौकरी करने के बाद थोड़ा बहुत गाड़ी उड़ी कर लिया, गाड़ी में एक सफर रहता है, जब भी मन मिलता है वो गाड़ी में खाना पकाना, गाड़ी में बेड, सब कुछ गाड़ी में रहता है, जंगल निकल जाता है, कहीं पे निकल जाता है। अनुपम मेरा स्टूडेंट है, आज अनुपम का अंडर में मैं हूँ, अच्छा लगता है। क्या पढ़ा तुझे? माउंटेनिंग का कोर्स हो तो हर जगह का, इंडिया का हर कोने से ये है, तो सबसे कुछ ना कुछ सीख के इधर से कुछ लेके जाऊंगा। मेरा नाम जीत है और मैं दिल्ली से हूँ। मैंने अपने माउंटेनिंग स्टार्ट किया था बेसिक कोर्स जवाहर हंस माउंटेनिंग में, ये सोनमर्ग में था उस समय, तो उस वो क्या था मैंने 2013 में,
एंड आफ्टर दैट आई कुड नॉट डू एनी एक्सपेडिशन इतना ज़्यादा कुछ. देन 2018-19 में आई डिड माई एडवांस मोटरिंग कोर्स सियाचिन टेन्योर ख़त्म होने के बाद. जैसे ही मैं कमीशन हुआ मैं सीधा सियाचिन ग्लेशियर गया, वहाँ पे 2 साल काटे मैंने प्रॉपर. वहाँ पे जो माउंटेनिंग का एक्सपीरियंस मिला दैट वाज टोटली डिफरेंट. वहाँ पे एवरी मोमेंट इज अ सर्वाइवल एंड मेरे साथ काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस हुए. एवलांच में बंदे फंसे, बंदे निकाले हमने. बहुत ही अलग ही लाइफ है जब आप 20,000 फीट पर रहते हो ना, वो एक अलग लाइफ होती है. तो वो एक्सपीरियंस करने को मिला एंड फिर उसके बाद मैंने एडवांस माउंटेनिंग कोर्स किया भाई. एंड वो आर्मी माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट में ही किया मैंने, सियाचिन बेस कैंप में. एंड वहाँ पे हमने मोमसांग कांगड़ी का सैडल तक करके आए हम वहाँ पे 6,000 मीटर तक वो. एंड फिर उसके बाद लास्ट ईयर हमने स्टोक कांगड़ी किया एंड अभी ये वाला कर रहा हूँ. सो दिस इज़ ऑल्सो माई फर्स्ट बिग पीक जो 7+ है. तो मैं भी सीख ही रहा हूँ आप लोगों के साथ. और यहाँ पे अभी तक इतने लोगों को जाना हूँ मैं, पार्थ, टिम्बा, शरद, राहुल को मैं जानता हूँ. राहुल इज़ माई स्कूल मेट. हम स्कूल में थे साथ में बचपन में, मैं और मेरी सिस्टर, ये और इसकी सिस्टर. हम खेलते रहते थे पूरे दिन, मतलब 2-4 किलोमीटर के रेडियस में ही घूमते रहते थे हम इधर उधर. कहीं पिट्ठू खेल रहे हैं, कभी गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, कभी कंचे खेल रहे हैं. अलग ही पागल बनता. कभी किसी दुकान के सामने खड़े हुए WWE देख रहे हैं. तो ये चारों की जोड़ी अजीब अजीब चीज़ें करते रहते थे. तो नाउ वी आर प्लेइंग हियर इन द माउंटेन्स. सो मैं चाहता हूँ कि अभी जो हम दोस्ती यहाँ पे कर रहे हैं ये हम फिर बुढ़ापे तक खेलते रहे एक दूसरे के साथ. कहीं ना कहीं क्योंकि खेलना तो है ही हमको, सारे बच्चे हैं दिल से. तो उस बच्चे को नहीं मारना कभी भी. और बाकी आशा करता हूँ सबका सही रहे ये वाला एक्सपीडिशन, सब एक दूसरे सीखे. ऑल द बेस्ट. मेरा नाम हर्षवर्धन सिंह है, मैं लखनऊ UP से अभी दिल्ली में काम कर रहा हूँ. मेरा ये 5वां एक्सपीडिशन है. अभी तक मैंने कोई कोर्स नहीं किया. होपफुली अगले साल हो जाएगा मेरा कोई कोर्स. बाकी ये मेरा पहला 7,000 मीटर एक्सपीडिशन होगा. होपफुली अच्छा हो जाए, बेहतर बेहतर खुल जाए सबका. और बाकी मैं और साक्षी यूजुअली साथ ही साथ एक्सपीडिशन करते रहते हैं. पिछले 3-4 एक्सपीडिशन में साथ में किए हैं और वो सब कुछ अच्छा गया, ये भी अच्छा ही जाए. बिल्कुल. हाई एवरीवन, माय नेम इज साक्षी, साक्षी मोंगा. मैं वैसे तो दिल्ली में हूँ बट 2 साल पहले आई मूव टू गुड़गांव. सो नाउ आई एम अ गुड़गांव पर्सन. सो एंड फॉर मी लाइक हर्ष इज ऑलरेडी मेंशन, हम लोगों के एक्सपेडिशन जैसे 3-4 रहे हैं साथ में. सो साथ में उससे पहले खाली मैंने स्टोक एंड किली मंजारो अलग से किया था एंड उसके बाद वी हैव डन लाइक द ज़ोंगो एंड फ्रेंडशिप पीक. And Pangachula was our always that ki New Year pe pahad ki upar, like you have to be on the summit and we have to see the view from there. So we did like 3 attempts. So this year also it was like ki now we have started our year on a high, looking at the you know beautiful peaks from there. So that's why we thought ki this year we have to do something crazy. And Nun was always, Pune and Nun were always on our like bucket list ki agar pahad pe karna hai ye to karna hi karna hai. कि लेट्स होप दैट वी आर मेंटली प्रिपेयर फॉर 7,000 मीटर. सो दैट्स व्हेन वी डिसाइडेड ऑन पांगचुला दैट वी हैव टू डू दिस. सो दैट्स व्हाई वी आर हियर फॉर आई थिंक अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीडिशन एंड मीटिंग ग्रेट पीपल हु शेयर द सेम इंस्पिरेशन एंड विल मोटिवेट अस. सो दैट्स इट. थैंक यू. एक और लॉजिक है हमारा, अगर हम हमारे मतलब मानने के अगर फर्स्ट को हम अगर माउंटेन पे रहेंगे ना तो पूरे साल ही चलता रहेगा. नौकरी के चक्कर में छुट्टी नहीं है, कुछ नहीं. अच्छा, मैं अभी बेंगल से हूँ, एक स्कूल में छोटा मोटा नौकरी करता हूँ. 2-3 एक्सपीरियन किया हुआ है, अभी इधर देखते हैं क्या होगा. 2-3 नहीं, आपने जो एक्सपीडिशन किया थोड़ा एक्सपीडिशन का लिस्ट बहुत बड़ा है. क्या होता है दूसरा टीम मेंबर को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है, थोड़ा सपोर्ट मिलता है. अभी देखते ऊपर चलते हैं. आदि भाई ने काफी सारे 7,000 मीटर किया है, उसमें से टफेस्ट वन ऑफ द टफेस्ट पिक प्लेटू, जिसमें 46 डेज टाइम लगता है टोटल. तो वो भी किया है इसने, समिट है उसमें. पिछले साल मेरे साथ पून किया था, सॉरी पिछले साल इसने सतोपंत किया था. सतोपंत में इसका समिट है, उससे पहले पून किया था. ये कम से कम 6-7 है, काफी सारे चेमा है, तो काफी वो एक्सपीरियंस बना है. ठीक है, कुछ भी अगर जानना है तो उससे भी आप जान सकते हो, मतलब कुछ भी अगर लेना है. चलो, मेरा नाम सुखो साची है, सुखो साची राय, बंगाल से हूँ.
सरकारी दफ्तर में काम करता हूँ बस इतना ही। और पहाड़ एक नशा जैसा है, तो मौका मिले छुट्टी मिले तो आ जाता हूँ। इसमें एक मौका मिल गया घूमरादा की वजह से, बोला पहला मेरा एक्सपीडिशन है और पहला एक्सपीडिशन ही 7000। इससे पहले बहुत सारा ट्रैक किए हैं लेकिन एक्सपीडिशन नहीं करा। तो बेसिक करने का बाद यही मेरा पहला एक्सपीडिशन है, जिसमें बोला कि हो जाएगा, मैं भी कोशिश में हूँ कि हो जाए। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, चलो हो जाएगा, बेस्ट ऑफ लक सभी का हो जाएगा। चलो नेक्स्ट अश्विन। मेरा नाम अश्विन कौर है, मैं चंडीगढ़ से हूँ। पहले माउंटेन लीग से पहले मैंने रॉक क्लाइंबिंग की है 4-5 साल, तो उसमें नेशनल गेम में रॉक क्लाइंबिंग है। तो उसके बाद मैंने बेसिक कोर्स किया और फिर चुके बेसिक बेसिक अपने कौन सी है उसके बाद अपने फिर सीख लिया। बता तो देखो यार, क्वार्टर बस्टर मेरा नाम देवनाथ मंडल है, सब लोग देवू बोलते हैं। और इस फील्ड में सबसे नया हूँ, मतलब पूरा ही नया। एक्सपीडिशन मेरा 7000 तो फर्स्ट ईयर, 6000 एक ही हुआ था, फिर वो भी बहुत ये करके। तो वैसे ही सीख रहा हूँ सबसे, आप लोग एक्सपीरियंस और सीखूंगा मैं। तो 9 जुलाई की अपडेट ये है कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे। दो दिन से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। अभी इस समय मैं छाता लेके खड़ा हूँ और ये आपको दिखाता हूँ यहाँ पे वाटर सोर्स। टू कीप अस हाइड्रेटेड बहुत ज़रूरी है, दिन में कम से कम 4 लीटर पानी पीना। यहाँ पे आपको मैं, ये आप देख सकते हो पूरा वेदर यहाँ पे पैक हो रखा है। तंगोल में इस टाइम पे हम एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 3400 मीटर। ऊपर आप देख सकते हो हमारे बेस कैंप की तरफ काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी है, तो एक बार वेदर खुलेगा तो काफ़ी मज़ा आने वाला है क्लाइंब करने में। आप इधर देख सकते हो पीछे पूरी वैली में, और उधर ये जो रास्ता जा रहा है आप सामने देख रहे हो, ये पूरा जांसकर की तरफ जा रहा है, जांसकर की तरफ जा रहा है। तो ये उस साइड भी पूरा वेदर पैक्ड है। लोकल से भी यहाँ पे पूछा, यहाँ पे ऑल्दो इतनी ज़्यादा बारिश कभी होती नहीं है, एक या एक दिन मुश्किल से कंटिन्यू बारिश होती है। पर हम पहली बार देख रहे हैं कि 3-4 दिन से यहाँ बारिश हो रही है। ऑल्दो हम परसों यहाँ पे आए थे तो हमें 2 दिन की बारिश मिली, बट यहाँ पे काफ़ी पहले से बारिश चल रही है। बट प्रेडिक्शन ये है कि 10 तारीख की सुबह से वेदर खुल जाएगा और होपफुली हम 10 तारीख को बेस कैंप की तरफ मूव होंगे, तो मज़ा आने वाला है। मिलते हैं। लगातार 3 दिन के बारिश के बाद अब फाइनली तंगोल में मौसम खुलने लगा था और यही टाइम था एक बढ़िया हाइक पर जाने का। ज़्यादातर टीम मेंबर्स थोड़ा ऊपर तक हाइक करने निकल पड़े थे। मुझे मौका मिल चुका था खूब सारे वीडियो शूट करने का और शरद भाई को कुछ योगा और मेडिटेशन करने का।
वापस कैंप पर आए तो देखा कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। हमारे सभी टीम मेंबर्स को गेम ज्वाइन करने में जरा भी देरी नहीं लगी। आखिर क्रिकेट ही तो वो खेल है जो हमारे देश में सबको जोड़ के रखता है। हम सभी थोड़ी देर के लिए ही सही एक बार फिर बच्चे बन चुके थे। साथ में इधर आओ, इधर इस साइड इधर 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 सर सर नोशन चलो तीन बोलूंगा, एक दो तीन। क्रिकेट का ये गेम शायद हमारे लिए गुड लक की तरह आया था। शाम ढलते ढलते पूरी वैली से बादल बिल्कुल हट चुके थे और साफ दिखाई देने लगी थी माउंट कुन की चोटी। आज 10 जुलाई की अपडेट ये है कि हम एक्लिमेटाइजेशन वॉक के लिए जा रहे हैं ऊपर तंगोल से थोड़ा ऊपर, जो नून बेस कैम्प का रास्ता है उसी रास्ते हम जा रहे हैं। ये मेरा कैमरा साथ में बढ़िया बढ़िया विजुअल्स शूट करने के लिए, जो कि अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे दोस्त ये भी वादियों के मज़े ले रहे हैं। Thank you.
आज 10 जुलाई के हाईएस्ट पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं, विच इज़ एट अराउंड 4000 मीटर्स। आप पीछे व्यू देख सकते हो, उस साइड में जाना है टुवर्ड्स माउंट नून, और जो दैट इज़ माउंट कोना भी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो तो बहुत ही बढ़िया है साइट है। ये हमारे बाकी के टीम मेंबर्स बैठे हैं यहाँ। बहुत ही मेहनत वाली चढ़ाई करने के बाद यहाँ पे सब चिल मार रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है सबके साथ। और इस समय नीमा जी के साथ बैठा हूँ मैं टॉप पे, मज़ा आ रहा है बहुत। 2021 में आखिरी बार मिला था मैं नीमा जी से बोईचाला ट्रैक पे, दोबारा मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। ये मल्टीपल टाइम 8000 मीटर पीक एवरेस्ट रोड से क्लाइंब पर है, तो आप सोच ही सकते हैं कि कितनी बढ़िया हमारी क्लाइंब होने वाली है जब इतने बढ़िया बढ़िया क्लाइंबर हमारे साथ हैं, तो मज़ा आने वाला है, ऊपर चढ़ेंगे। बाय 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 बाय। तो इस समय आदि भाई के साथ हूँ, 2021 में कुन क्लाइंब की थी साथ में, बहुत मज़ा आया था, तो अभी नून क्लाइंब कर रहे हैं तो मज़ा आ रहा है। ये हमारे जीत भाई, ये मेरे बचपन के दोस्त, साथ में बहुत खेलते थे हम बचपन में स्कूल टाइम से, और आज देखो साथ में क्लाइंब कर रहे हैं, तो मज़ा आने वाला है। उतर चुके हैं और यहाँ हमें कुछ मित्र मिले हमारे, जिनके साथ बैठ के हम यहाँ की लोकल चाय पी रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। फयाज फयाज, क्या नाम आपका? बताओ कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th क्लास। 8th क्लास, 2 साल में बोर्ड आने वाला आपका। और आपका नाम? सजाद अली। सजाद, कौन सी क्लास में आप? 5th। अच्छा, कॉन्शियस क्यों हो रहा है? हंसना तो एक स्माइल के साथ। और इन्होंने हमको बहुत ही बेहतरीन चाय बनाई है। चाय का कलर भी देख सकते हैं, बिल्कुल पिंक सा शेड आ रहा है इसमें, अभी धूप में शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, पर बहुत मज़ा आ रहा है चाय पीने में। और ये जगह बहुत सुंदर है और यहाँ के लोग बहुत सुंदर। तो आज 11 जुलाई की अपडेट ये है कि हम बेस कैंप के लिए निकल रहे हैं, अच्छा वाला लोड हमने ले लिया है और यहाँ पे पोर्टर्स की पैकिंग हो रही है। क्लाइंबर्स जो ज़्यादातर हैं वो निकल चुके हैं आगे, कुछ क्लाइंबर्स यहाँ खड़े हैं, हमारे आदि भाई खड़े हैं सबसे आगे। आज काफ़ी लंबी चढ़ाई होने वाली, क्योंकि वेट अच्छा खासा है, तो लगा लो 8-9 घंटे में पहुँच जाएंगे हम बेस कैंप, धीरे धीरे जाएंगे। तो शरद भाई मेरे साथ है तो मज़ा आएगा, मिलते हैं आगे। हमने पहली चढ़ाई पार कर ली है अपने बेस कैंप के लिए, लेकिन देर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। अभी मैं आपको ये जो आप सामने क्लाइंबर देख रहे हैं, और इधर मैं आपको रूट दिखाता हूँ, ये देखिए ये जो रूट दिख रहा है आपको, इससे जाते हुए हमें यहाँ से ऊपर जाना है, यहाँ से ऊपर। और ये जो आपको गली दिख रही है सामने, इसके अंदर घुस के हमें बेस कैंप की तरफ जाना है,
तो काफ़ी। अभी शरद भाई भी साथ में है मेरे, तो मज़ा आ रहा है बहुत। मौसम ऐसा ही रहे, बारिश एटलीस्ट ना हो तो काफ़ी अच्छा होगा हमारे लिए, क्योंकि अच्छा लोड है सबके पास। और बेस कैंप तक आज किसी बात में पहुंचना है, क्योंकि 3 दिन हम ऑलरेडी तंगोल में वेट कर चुके हैं। तो चलते हैं आगे, कैसी होती है क्लाइंब। तो अच्छी खासी क्लाइंब कर ली हमने, यहाँ पे आप देख सकते हो अभी एक नाला क्रॉस कर रहे हैं हम, यहाँ जा रहे हैं यहाँ से पानी के तंगोल विलेज। तो क्लाइंब कंटिन्यू रखेंगे, काफ़ी बढ़िया मज़ा आ रहा अभी। सो लगभग आधी चढ़ाई हमने पार कर ली है, इसके बाद आपको जो ऊपर गली दिख रही है अभी दिखाता हूँ। ये चढ़ाई जो है ये पार करनी तो बड़ी भयंकर। और सुबह सुबह मैंने उठ के अपने रक्सा का वेट नापा तो निकला 26 kg। तो पहली बार देख के मुझे ऐसा लगा कि 26 kg मैंने आज तक कैरी नहीं किया, तो आज कैसे करूँगा। बट अगर वहाँ पे थोड़ा सा भी लोड कम हो जाता तो आई वुड हैव लॉस्ट दी साइकोलॉजिकल बैटल। वो एक बार हो जाए तो यू कैन डू नथिंग इन द माउंटेंस। सो कितना भी वेट हो, 20, 30, 10, 40, 50, चलते रहो धीरे धीरे, मंजिल तक पहुँच ही जाओगे। बाकी हल्की फुल्की यहाँ बारिश हुई थी बट अभी क्लियर हो चुका है, मतलब क्लियर तो नहीं हुआ लेकिन बारिश बंद हो चुकी है। और आई ऑल्सो सॉ सम अपडेट्स ऑन इंस्टाग्राम कि हिमाचल साइड काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, वहाँ पे काफ़ी बुरे हाल है। तो आई होप एवरीवन इज़ सेफ और जल्दी से जल्दी सारा कुछ ठीक हो, और मिलता है फिर आगे। सो काफ़ी चढ़ाई पूरी हो चुकी है, पीछे देखो तंगोल आपको दिख रहा होगा कितना ऊपर हम आ चुके हैं। और आपको सामने की चढ़ाई दिखाता हूँ जो कोल हमें पार करना, ये देखो कुछ क्लाइंबर्स आपको वहाँ दिख रहे होंगे। ये कोल पार करके रिलेटिवली सीधा रास्ता है एज़ कम्पेयर टू वट वी डिड अभी तक। तो बहुत ही अच्छी क्लाइंब है, टू प्रिपेयर अस फॉर द हायर कैंप्स आई थिंक दिस वॉज नीडेड फॉर अस। कल वाली हाइक और आज वाली बेस कैंप की चढ़ाई विद द लोड। ये शरद भाई मेरे साथ बैठे हैं और ऊपर देख सकते हो आप, ऊपर आपको ये क्लाइंबर्स दिख रहे होंगे इधर। अभी जूम नहीं कर पा रहा हूँ मैं फ्रंट फेसिंग कैमरा में, लेकिन ये ऊपर बर्फ़ का पूरा पैच कोल पार करना है हमें, उसके बाद थोड़ा सीधा रास्ता आएगा बोल रहे हैं। तो और ये आप देख सकते हो इधर आ रहे हैं, बाकी एक क्लाइंबर हमारे नीचे हैं जो धीरे धीरे करके ऊपर पहुंच रहे हैं। तो हम भी चलते हैं ज़रा ऊपर देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी हो गई है यहाँ पे पूरा ट्रेल, और आप सामने देख रहे हो पोर्टर्स को भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे, क्योंकि कई जगह इतनी ज़्यादा स्नो एक्युमुलेट हो चुकी है कि आपको पता नहीं चल रहा कि उसके नीचे एक्चुअल में कोई ट्रेल है या वहाँ पे कोई गड्ढा है। तो ऊपर आप देख सकते हैं ये जो मार्किंग हो रखी है, यहाँ से हमें क्लाइंब करके सीधा बेस कैंप की तरफ जाना है। तो थोड़ी डिफ़िकल्टी आ गई है लेकिन चैलेंजेस के साथ मज़े भी उतने ही बढ़ते हैं, तो चलते हैं आगे। तो अब जो है हमारी मेन स्लो क्लाइंबिंग चालू हो गई है टुवर्ड्स बेस कैंप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रोप फिक्सिंग हो चुकी है, तो इसी को लीड करते हुए आगे जाना है। तो स्नोफॉल हल्की हल्की चालू हो गई है, आप नीचे देख सकते हो वैली जहाँ से हम ऊपर क्लाइंब करके आए हैं, वो आप देख सकते हो तंगोल विलेज। और ये नीचे जीत भाई क्लाइंब करते हुए आ रहे हैं, इन पर ज़रा जूम मारा जाए ये देखिए। तो चलते हैं ज़रा ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे हमारी स्नो क्लाइंबिंग चालू हो चुकी है, मैं आपको आगे दिखाता हूँ शरद भाई लीड करते हुए। तो डिफ़िकल्टी अभी शुरू हुई है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये रोप के साथ साथ हम बढ़ते जाएंगे और होपफुली जल्दी हम बेस। यहाँ पे पीछे स्नोफॉल भी चालू हो चुका है, तो ये स्नो गली पार करके हम टॉप पे आ गए हैं, और सामने आप जो देख रहे हो उस तरफ जाके हमें बेस कैंप की तरफ मूव करना है। तो अच्छे टाइम पे हमने क्लाइंब कर लिया, जितना हमने सोचा था उससे काफ़ी टाइम कम टाइम में, लगभग दो घंटे हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, 2 से 2.5 घंटे में। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे वेदर हो रहा है, हल्की फुल्की स्नोफॉल हो रही है, ज़्यादा नहीं। तो कंडीशन अच्छी थी आज क्लाइंबिंग के लिए,
होपफुली टाइम पे सारे लोग बेस कैंप पहुंच जाएं और सेटअप हो जाए हमारे कैंप, ताकि हम कल परसों की चढ़ाई के लिए रेडी हो सकें, क्योंकि कल हमारी लोड फेरी होनी है टुवर्ड्स कैंप वन, तो अगले दिन फिर हम कैंप वन ऑक्यूपाई करेंगे। तो जब आप आगे एक रिज टाइप देख रहे हैं पहाड़ की, उसके जस्ट नीचे हमारा बेस कैंप है। तो काफ़ी मेहनत लगी आज, लेकिन रिज़ल्ट और भी अच्छा, हम बेस कैंप पहुंचने वाले हैं और वेदर थोड़ा रिलेटिवली अच्छा हो गया है पहले से, धूप हल्की सी खिल चुकी है तो बॉडी थोड़ी गर्म हो जाएगी। तो हम नून बेस कैंप के और क्लोज आ चुके हैं और हमें नून पीक अप दिखने लगी है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो लेफ्ट में जो पीक दिख रही है वो नून का शोल्डर है, तो दिस इंडिकेट्स दैट वी आर अबाउट टू रीच बेस कैंप। और बड़ी ही तो अभी ये नाला क्रॉस किया हमने, जो अभी जीत भाई भी करने वाले हैं, तो ये देख सकते हो आप। बेस कैंप में जाने के लिए ये क्रॉस करना ज़रूरी है और आपको माउंट नून दिखाता हूँ मैं, जो कि थोड़ी सी बादलों में ढकी हुई है, लेकिन पीक बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो अब जो फाइनल 100 मीटर का पुश है वो यहाँ से जाएगा इधर से ऊपर, और इसके पीछे हमारा बेस कैंप होगा। तो बोलने को ये 100 मीटर है, लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा एक घंटा लगने वाला है। उसेन बोल्ट जो है वो 100 मीटर 9 सेकंड में भागता है, लेकिन यहाँ पे एक घंटा लगने वाला है। तो कभी भी लगता है आपको कि आप लाइफ में स्लो चल रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप बस अलग चीज़ कर रहे हो, लगे रहो बस। तो मिलते हैं सीधा बेस। तो ये आधी चढ़ाई हम कर चुके हैं फाइनल वाली, और लगभग आधी बची है, मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ। ये हमारे कुक साहब ऊपर जा रहे हैं, तो ये आपको फाइनल शोल्डर दिख रहा है, वहीं तक हमें जाना है, उसके बाद हमारा बेस कैंप है। ये वाला फाइनल पैच जो है ये बहुत थकाने वाला है, यहाँ पर हमें 10-10, 20-20 कदम में रुकना पड़ रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं है, चलते रहेंगे, पहुँचते हैं फिर बेस कैंप। बेस कैंप ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, पीछे हमारा बेस कैंप है और बहुत तेज चल रही है, बहुत ही टफ चढ़ाई थी लास्ट वाली, पर किसी तरह कर लिया। बेस कैंप में रहनी चाहिए थोड़ी धूप ना, ये सारे जूते सूख जाएंगे।
शहर आके तो काम नहीं है जूतों का। तो इस समय बेस कैंप में बैठे हम, मैं जीत भाई के साथ बैठा हूँ, और तुम से अपने जूते सुखा रहे हैं। बाहर का नज़ारा देखो, ये यहाँ से पीक दिख रही है बहुत सही सही, बढ़िया लोकेशन में हमारा कैंप है। एक करेक्शन मुझे करनी है, जो मैं पहले माउंट नून बोल रहा था वो एक्चुअली माउंट नून नहीं है, दिस इज़ वाइट नीडल। माउंट नून जो होगी वो इस साइड को होगी, हमें कल ये वॉल क्लाइंब करके लोड फेरी करके जाना है, तो कल वहाँ जाएंगे तब हमें माउंट नून और कुन दोनों दिखेंगी। तो ये देख सकते हैं आप, ये हमारा किचन टेंट है, बाकी टेंट्स भी हमारे सामने लगे हैं। शाम के 5:30 बज चुके हैं और ये हमारी कैसा है, अभी काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग होने वाली है क्योंकि कल हम जो है लोड फेरी करेंगे कैंप 1 तक, जो आप इधर देख रहे हो, यहाँ से हम इस तरफ से जाएंगे और लोड फेरी करके कैंप 1 में सामान छोड़ेंगे, वापस आएंगे यहाँ सोने और अगले दिन कैंप 1 में मूव करेंगे। तो ये अभी तक की अपडेट है, तो आज उसी की प्लानिंग चलने वाली है। ये यहाँ पे वाटर फोर्स जो कि सीधे सामने ग्लेशियर से आ रहा है, तो यहाँ पे हम पानी भरेंगे। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिर्वर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामृतोर्मुक्ष्यमामृतम् ॐ प्रमत्तं शक्तिसंयुक्तं मानाख्यं च महाप्रभं कामबाणान्नितं देवं संसारदानक्षमं
श्रृंगार आदि रसुल्ल शंगबाना ख्यंच परमेश्वर ओम ओम मानेश्वराय नमो ओम महादेवाय नमो ओम नीलकंठेश्वराय नमो ओम महादेवाय नमो नमः। इस समय कैम्पन की रोड से लेकर निकल चुके हैं मैं और शरद भाई, तो रास्ता दिखाता हूँ आपको। ये जो आप क्लाइंबर्स देख रहे हैं, यहाँ से ऊपर ब्लैक वॉल की तरफ पहुँच के राइट मुड़ना है और वहाँ से हमारा कैंप वन का रास्ता है। तो अभी हमने चढ़ाई शुरू कर दी है, होपफुली 2 बजे तक हम नीचे आ जाएंगे। तो मिलते हैं आगे। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है कैंप वन की लोड फेरी में। फिटनेस वाइज मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि कल 26 kg का लोड उठा के मैं बेस कैंप तक आया था। तो आई एम फीलिंग वेल बट इट इज़ नॉट एट ऑल इजी। आप देख सकते हो बाकी के क्लाइंबर्स में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ऊपर आए क्लाइंबर्स जा रहे हैं और ये रास्ता में जाना है। ये ऊपर आप देख रहे होंगे पत्थर, यहाँ पर हमें जाना है। तो मज़ा आ रहा है, साथ में शरद भाई भी है मेरे, साथ साथ चल रहे कल से हम। और पीछे अपने शांतनु दादा भी आ रहे हैं धीरे धीरे करके। और पीछे भाई कैंसर देख सकते हो, यहाँ के बाकी रॉक स्ट्रक्चर देखिए आप कितना ज़बरदस्त है। यहाँ पे कुछ मैसेजेस भी लिखे हैं, आपको दिखाता हूँ क्या बात है। तो यह आप आके रूट देख सकते हो कैसे हमारे क्लाइंबर्स बिल्कुल आगे जा रहे हैं। और ये आप देख सकते हो साक्षी बहुत अच्छी क्लाइंबर है, हर्ष और साक्षी एक साथ चल रहे हैं, काफ़ी अच्छा चलते हैं दोनों। और ये हमारी शेरपा टीम और ये बाकी दूसरी बूट्स एंड कैंपन्स के क्लाइंबर्स। तो मज़ा आ रहा है काफ़ी लोड फेरी के। उसमें एक चीज़ मैं आज भूल गया, वो था सनस्क्रीन लगाना। ऑल दो सनरेज आज इतनी है नहीं, लेकिन सूरज आज आया तो मेरी लगने वाली है क्योंकि माई स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव। तो होपफुली ऐसा ही रहे, ना स्नोफॉल ज़्यादा हो ना सनलाइट ज़्यादा है, नहीं तो लगने वाली है मेरी। आप सामने पैसेज देख रहे हो, ये हमें फिक्स रोप के थ्रू पार करना है कैराबिनर लगा के, तो मज़ा आने वाला है। और ये आप देख सकते हो माउंट वाइट नीडल, कितनी ज़बरदस्त ये पीक लग रही है। हाँ, कल रात को इनफैक्ट पूरे दिन यहाँ पे काफ़ी सारे एवलांच आए हैं इसके पीछे वाली साइड में, इस साइड तो नहीं। तो ये सब तो होता रहता है माउंटेन पे। तो बढ़ते हैं हम आगे अपने लक्ष्य की तरफ। तो जो आप नीचे देख रहे हो ये पूरा एवलांच जोन है, आप देख सकते हो ताज़ा ताज़ा यहाँ एवलांच आया है हाल फिलहाल में। तो ये एरिया जल्दी से हम क्रॉस करेंगे और फिर ऊपर देखेंगे कैसा रास्ता है। तो काफ़ी क्लाइंबिंग हो चुकी है, आप नीचे देख सकते हो कितना दूर से हम क्लाइंब करते हुए आ रहे हैं। वो पीछे हमारे कैंप्स और आगे शरद भाई चलते हुए और बाकी की टीम। तो फर्स्ट ट्राई करने के बाद हम यहाँ पे क्रैम्पन पॉइंट पे आ गए हैं और पीछे आप वॉल देख सकते हो, ये वॉल हमें क्लाइंब करनी है टू रीच कैंप वन। कुछ क्लाइंबर्स आप देख सकते हो वहाँ पे, क्लाइंबर्स शरद भाई, हर्ष भाई और साक्षी, तीनों उमदा क्लाइंबर अभी अपना क्लाइंबिंग इक्विपमेंट सेट कर रहे हैं, उसके बाद हम ये वॉल क्लाइंब करेंगे जो सामने देख रहे हो आप। तो ये पीछे वॉल देख रहे हो आप, ये अभी क्लाइंब करनी है हमें और हर्ष भाई लीड करने वाले हैं। बड़ा चूक नहीं सकता। और ये बाकी मेरे साथ में 2 क्लाइंबर्स बिल्कुल रेडी टू गो। तो देते हैं बाकी अपडेट आपको आगे। तो काफ़ी क्लोज आ गए हम वॉल के और गर्मी में क्लाइंबिंग में बड़ी मुश्किल हो रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे एंड इट कैन गेट वेरी टफ व्हेन यू आर क्लाइंबिंग अंडर डायरेक्ट सनलाइट। और अगर ऐसी वॉल अगर आप चढ़ रहे हो तो
सनलाइट में और भी ज़्यादा दिक्कत होती है, बट विल कंटिन्यू क्लाइंबिंग। ये जो आप ऊपर क्लाइंब, तो ये वॉल के क्लोज पहुँच चुके हैं हम, और यहाँ काफ़ी ज़्यादा एवलांच प्रोन एरिया है, और ऊपर से हल्की हल्की बर्फ़ गिर भी रही है। यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारा एवलांच आ चुका है। तो क्लाइंबिंग जो है शुरू हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे रोप मैं अपने जुमा लगा दिया है, और आप बाकी एक क्लाइंबर ऊपर, ये रही ऊपर वॉल। काफ़ी ज़्यादा एवलांच आया था अभी यहाँ पे, आप देख सकते हो आसपास बिल्कुल ताज़ा ताज़ा एवलांच आया यहाँ पे, तो जल्दी से इस एरिया को क्रॉस करना पड़ेगा। तो करते हैं क्लाइंबिंग शुरू। ऊपर से बोला जा रहा है कि एंकर काफ़ी लूज़ हो गया है, इसलिए हम एंकर के ऊपर वेट नहीं डालेंगे, पूरा पैरों का जोर लगेगा यहाँ पे। थोड़ा सा भी एंकर पे वेट डाला बॉडी का, ऊपर से एंकर खुल सकता है, विच कैन बी वेरी डेंजरस फॉर द क्लाइंबर्स। तो अभी हमने आधी वॉल क्लाइंब कर ली है, पीछे आप देख सक रहे हो बाकी ये क्लाइंबर आ रहे हैं। तो बड़ी स्टीप ये वॉल है, अच्छा अभी थोड़ी सनलाइट कम है ना, सनलाइट में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। आप साइड में देख सकते हो कितना स्टीप है, आप यहाँ स्टीपनेस देख सकते हो स्लोप की। तो आपको दिखाता हूँ कितनी हमारी वॉल बची है, ये देखो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एवलांच आए हैं अभी, तो काफ़ी ज़्यादा खतरा है इधर क्लाइंब करने में, पर डर के आगे जीत है। तो वॉल जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, मैं आपको साइड में दिखाता हूँ कितना स्टीप ये रास्ता था। पूरी वॉल काफ़ी डेंजरस थी क्योंकि एवलांच का खतरा बना था, बट काफ़ी मज़ा आया ये वॉल क्लाइंब करने में। आपको सामने दिखाता हूँ हैंगिंग ग्लेशियर, आप देख सकते हो, और ये इधर से देखो ऊपर जो छोटी छोटी बर्फ़ गिर रखी है, यही जब नीचे आएंगी तो इट कैन फॉर्म एन एवलांच। और लेफ्ट में आप देख सकते हो एक और ग्लेशियर, और इसके लेफ्ट में हर दो मिनट में एक एवलांच आता ही रहता है। नीचे आप क्रेवास भी देख सकते हो कितना डेंजरस है, और ये अपने शरद भाई क्लाइंब करते हुए फुल स्पीड में ऑलमोस्ट पूरी वॉल क्लाइंब कर चुके हैं। तो पहुंचते हैं आप सीधा वहाँ पे। तो वॉल हमने पूरी क्रॉस कर ली है, ये आप देख सकते हो पूरा क्रेवास वाला एरिया यहाँ पे। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल कभी भी क्रेवास के अंदर घुस सकते हो, सो सेफ्टी इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। और ये आपको दिखाता हूँ, ये जो आप ऊपर हम देख रहे हो इसके पीछे जाके कैंप वन है, तो होपफुली हम जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे। तो काफ़ी लंबी चढ़ाई हो गई है, लेकिन शायद अब पहुँचने वाले हैं। और ये हमें माउंट नून दिखने लगी है जिसको हम क्लाइंब करने वाले हैं। ओ इस टाइम कैंप वन अभी भी काफ़ी दूर लग रहा है, सोचा था कि वॉल क्रॉस करके कैंप वन जल्दी आएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं है। और यहाँ पे वाइट आउट भी होने लगा है और बर्फ़बारी होने लगी है। आपको दिखाता हूँ पीछे पीक्स, ये जो पीक देख रहे हो आप, दिस इज़ माउंट नून जो हम क्लाइंब करने वाले हैं, एंड दिस इज़ माउंट कून, दो साल पहले हमने इस पर क्लाइंब की थी। और इस साइड और भी पीक्स देख सकते हो। तो बड़ी मुश्किल हो रही है यहाँ पे, भूख बहुत लग रही है, प्यास लग रही है, और खाने को भी कुछ नहीं है, थोड़ा सा पानी बचा है, और रास्ता भी बहुत दूर लग रहा है। तो अपडेट अभी है कि हम 5409 मीटर्स की हाइट पे पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी भी कैंप वन दूर दूर तक नहीं दिख रहा। तो आई थिंक देर इज़ नो पॉइंट गोइंग देयर,
कंसिडरिंग जो ऊपर बादल हो रखे हैं, वाइट आउट होने वाले हैं यहाँ पे, और टाइम भी 4 बजने वाले हैं। कल तो वैसे भी हमें यहाँ पे आना ही है, तो आज का एक लेसन ये है कि कल सुबह हमें जल्दी निकलना पड़ेगा। आज हम 9:40 पे निकले, इसलिए हम ज़्यादा दूर नहीं पहुँच पाए, और पैक लंच हमें रखना था क्योंकि अभी बहुत हालत ख़राब हो चुकी है भूख से। तो हमने डिसीजन लिया कि हम नीचे जाएंगे अभी, होपफुली 6 बजे तक हम नीचे पहुँच जाएँ, थोड़ा हाइड्रेट करेंगे खुद की बॉडी को, और थोड़ा खाएंगे पियेंगे, और अच्छे से रेस्ट लेना पड़ेगा ताकि कल क्लाइंब कर पाए। आइडिया लग चुका है अब कि कैसी क्लाइंब होने वाली है कल, तो आई थिंक आज की क्लाइंब थोड़ी और बहुत हेल्पफुल होगी कल के लिए। तो आज की अपडेट ये है कि हम कैंप 1 की तरफ निकल चुके हैं अपना सामान लेके, और आज हमें रोटेशन करनी है, लोड फेरी नहीं है, तो सारे टेंट और इक्विपमेंट और राशन उठा के हम कैंप 1 जाने वाले हैं। आपको पता ही है कल चढ़ाई मैंने आपको दिखाई थी कितनी मुश्किल चढ़ाई थी, तो आज वही कंप्लीट करनी है। आराम आराम से चलेंगे क्योंकि लोड काफ़ी ज़्यादा है। ये आप पीछे देख सकते हो शरद और पार्थ भाई, और उसके आगे अपने आदिता। तो धीरे धीरे चलेंगे, और बाकी अपडेट्स आपको कैंप 1 पहुंच के ही मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अपने रूट जो था वो कल की वीडियो में देख लिया होगा। तो चलते हैं कैंप 1 की तरफ। वापस वॉल पे आ पहुँचा हूँ, और काफ़ी मज़ा आ रहा है क्लाइंब करने में। आप नीचे देख सकते हो इतना क्लाइंब करके आ चुके हैं, और ये बाकी की वॉल। वॉल क्रॉस करने के बाद हम लंच करेंगे, जो कि हमने अपने बैग में पैक किया हुआ है। तो डिफ़िकल्टी बढ़ती जा रही है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है क्लाइंब करने में। तो फाइनली वॉल क्रॉस हो गई है, स्टिल देयर इज़ लॉन्ग वे टू गो, पर ये वॉल क्रॉस करने का रिवॉर्ड इज़ पास्ता। तो अभी मैं पास्ता लपेट रहा हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, इतने टाइम बाद कुछ खाने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है 1 साल बाद कुछ खा रहा हूँ। ओह तो दोस्तों, इतनी मेहनत करने के बाद एक ही बात बोलूँगा कि माउंटेनियरिंग एज अ हॉबी एज अ पैशन गलती से ही मत चुन लेना। लगी पड़ी इधर भूख लग रही है, खाने को खाना नहीं, प्यास लग रही है, पीने को पानी नहीं। कैंप साइट पहुँचना है, कोई नामो निशान नहीं, मौसम ख़राब, पर एक कीड़ा है अंदर जो बार बार ये करने के लिए बुला लेता है। पर कभी रेकमेंड नहीं करूँगा माउंटेनियरिंग एज अ स्पोर्ट का भी मत चुनना। तो एक बहुत बड़ा धोखा दिखाता हूँ आपको, जो कल भी हमारे साथ हुआ था और आज भी होगा। जो आप शोल्डर ऊपर हम देख रहे हो, यहाँ पे सब क्लाइंबर्स को लगता है कि इसके बाद तो चलो स्ट्रेट फील्ड आएगी और कैंप साइड आ जाएगी, लेकिन इसके बाद एक और हम शुरू हो जाता है, फिर एक और हम, ऐसे करते करते ये लूप चलता जाता है। दोस्तों एक डेंजर दिखाता हूँ आपको वाइल्ड क्लाइंबिंग ऑन हाई माउंटेन्स। ये देखो, कई बार क्या होता है कि ये जो आपको क्रेवास दिख रहा है इतना बड़ा,
और ये इतना गहरा है इसको हम नाप भी नहीं सकते शायद। तो कभी कभी क्या होता है कि इसके ऊपर हल्की फुल्की स्नो एक्यूमुलेट हो जाती है और हम चलते जाते हैं और इसके अंदर एक बार पैर घुसा तो फिर तो यू विल बी हिस्ट्री। तो इसलिए हमेशा सेफ्टी अपनी प्रायोरिटी रखना, हमेशा रोप के साथ खुद को एंकर रखना है। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पे तुम रोप से अपना एंकर हटा रहे हो या रोप अप होकर नहीं चल रहे हो लोगों के साथ। बहुत ज़रूरी है ऐसे एरियाज़ में, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम। तो इस समय कैंप वन में पहुंच चुके हैं, मैं हर्ष भाई के साथ खड़ा हूं। यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा है, बर्फ़ वगैरह भी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हमारे जितने भी इक्विपमेंट और शूज़ वगैरह वो सही सलामत है। तो आप यहाँ पर हमारे कैंप्स देख सकते हो और ये हमारी डेस्टिनेशन माउंट नून, और साथ में आप माउंट कून भी देख सकते हो। आपको कैंप टू की तरफ जूम करके दिखाता हूँ। ये हमारा कैंप टू है, इधर इधर तक हमें क्लाइंब करके जाना है। और पेमा भाई का कहना है कि यहाँ पे फुल नेटवर्क आते हैं तो मज़ा आने वाला है। और यहाँ पहुँच के हमें नंगा पर्वत पीक भी दिखेगी तो मज़ा आएगा। परसों कल हमारा रेस्ट डे है तो आप आसपास देख सकते हो सनसेट कितना अच्छा हो रहा है यहाँ पे। यही मज़ा है माउंटेन्स में। आज 14 जुलाई की अपडेट यह है कि हम कैंप वन में बैठे हैं, ये मेरे साथ शरद भाई और जीत भाई। यहाँ पे आप पीछे तुम देख सकते हो, आपको व्यू दिखाते हैं बाहर। ये है आपकी माउंट नून जो कि हम क्लाइंब करने वाले हैं, और ये माउंट कून बड़ी शानदार पीक लगती हुई है। तो वेदर बहुत ही अच्छा है, बोल रहे हैं 18-19 तक वेदर विंडो बिल्कुल अच्छी है क्लाइंबिंग के लिए। तो आपको रूट दिखाता हूँ यहाँ पे, ये रूट हम क्लाइंब करने वाले हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये रूट, ये यहाँ पे जहाँ पे रूट ख़त्म हो रहा है कैंप टू है आपका, और उसके बाद यहाँ से क्लाइंब करते 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 हम पहुँचेंगे यहाँ टॉप पे। तो ये होने वाली है क्लाइंब। तो आज पूरा रेस्ट डे हमारा कैंप वन में, 14 जुलाई। नीचे आप देख सकते हो दैट इज़ माउंट कून, और ये माउंट नून है। The next 4 days we'll be trying to reach the top of this mountain. और ये हमारा पीछे कैंप आप देख सकते हो, सब लोग आराम कर रहे हैं और अपने क्लोथिंग वगैरह जितने भी है वो सुखा रहे, क्योंकि ऊपर आते आते बर्फ़ में काफ़ी ज़्यादा गीली हो गई थी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप देम ड्राई फॉर द अपकमिंग क्लाइंब। और ये जो आप साइड में देख रहे हो स्नो हमने खोद के रखी है, दिस इज़ आवर टॉयलेट। तो अंदर जाके नहीं दिखाऊंगा बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो मज़ा आ रहा है, काफ़ी अच्छा मौसम है यहाँ पे। बाकी आपको अपडेट दूंगा आगे की क्लाइंब में।
सबकी लाइफ में एक ऐसी स्टेज जरूर आती है जहां मंजिल काफ़ी करीब दिखाई देती है पर सिचुएशन हमें पीछे हटने को मजबूर कर देती है। किसी ने शायद सही कहा है, आखिर में माउंटेन ही डिसाइड करती है कि आप ऊपर आएंगे या नहीं, और शायद माउंटेनियर होने के नाते हमें ये बात एक्सेप्ट भी करनी होती है। तो आज 15 जुलाई की अपडेट ये है कि हमें अनफॉर्चुनेटली कैंप 1 से वापस बेस कैंप की तरफ जाना पड़ रहा है क्योंकि माउंट कुन का जो रूट है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है ड्यू टू सम क्रेवास विच हैज़ ओपन्ड अप। तो वहाँ पर रूट जो है पूरा ख़राब हो चुका है और मूवमेंट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और विदाउट लैडर तो बिल्कुल नामुमकिन है ऊपर जाना, एंड वी डू नॉट हैव एनी लैडर राइट नाउ। तो सारी टीम्स जितनी भी यहाँ पे आई थी, बूट्स एंड क्रैम्पॉन्स, टेरनो एडवेंचर या शिखर, वो सारे वापस जा चुके हैं, मेरे साथ जीत पाई हैं। तो वेरी डिसअपॉइंटिंग वे टू एंड द एक्सपेडिशन, बट विल बी बैक इन कपल ऑफ ईयर्स। या अभी देखता है कब तक इसका रूट ठीक होता है माउंट नून का, या कब इसमें नया रूट डिस्कवर होता है, तब तक तो शायद कहानी ऐसी चलती रहेगी। और आप आज देख भी सकते हो मौसम बिल्कुल ख़राब हो चुका है, तो आई थिंक ये इंडिकेशन ही है कि हमें वापस जाना चाहिए। नेचर वॉन्ट्स अस टू गो बैक। तो शायद ये देखती कहानी, बाकी दोबारा आएंगे माउंट नून की तरफ, तो एपिसोड 2 होगा ज़रूर, बहुत जल्दी होगा। तो मिलते हैं। Going to the top is an option, coming down is mandatory. इस कोड को ध्यान में रखते हुए हम आ चुके थे वापस बेस कैंप। इतनी मेहनत करने के बाद भी मंजिल को ना पाकर वापस जाना एक क्लाइंबर के लिए बहुत ही मुश्किल पल होता है, और बहुत ही करेज लगता है इस डिसीजन को लेने में। इतनी डिसअपॉइंटमेंट के बाद भी हमें यकीन था कि हम यहाँ दोबारा आएंगे एक नई कहानी लिखने। मैं बहुत ही खुशनसीब था कि ये वक्त मुझे कुछ बहुत ही स्पेशल लोगों के साथ गुजारने का मौका मिला। सर मेरे पास ये फोटो दूंगा, याद है ना, याद है। चल उधर जॉइंट बना के